हे गाइस, मैं हूं जितू और फिर से आपका स्वागत है एक नए जर्नी ब्लॉग में। और अभी मैं हूं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, और आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली से मथुरा की एक ट्रेन जर्नी करवाने वाला हूं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं दिल्ली से मथुरा आने का बाई ट्रेन, और कम से कम टिकट प्राइस में कम्फर्टेबल जर्नी करना चाहते हैं कम टाइम में, तो आप बिल्कुल राइट वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाला हूं कि ट्रेनों का क्या टाइमिंग है, टिकट प्राइस कितना होने वाला है, कितनी देर में आपको ट्रेन छोड़ देगी, और मथुरा स्टेशन पर आने के बाद आपको किस तरह से जाना है, ऑटो का प्राइस होने वाला है, छोटी बड़ी सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज मेरे साथ करिए दिल्ली से मथुरा की एक ट्रेन जर्नी। मथुरा पहुंचना बेहद ही आसान है। दिल्ली से आप मथुरा बाय ट्रेन बाय बस इजीली पहुंच सकते हैं, और अगर आप बाय एयर आते हैं तो आप डायरेक्ट आगरा या फिर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच के फिर बाय ट्रेन या बाय बस भी जा सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट वे होने वाला है दिल्ली से मथुरा जाने का और चीपेस्ट वे है वो है ट्रेन का। और दिल्ली से हर एक से डेढ़ घंटे की फ्रिक्वेंसी में ट्रेनें चलती हैं जो कि आपको डेढ़ से दो घंटे के बीच में मथुरा उतार देती हैं। आज जो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कर रहा हूँ, और मथुरा जाने के लिए आपको हजरत निजामुद्दीन से भी ट्रेन मिल जाती हैं, न्यू दिल्ली से मिल जाती हैं और ऑल दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिल जाती हैं। लेकिन बात करूँ फ्रिक्वेंसी की, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेन है वो आपको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ही मिलने वाली हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ट्रेन के ऑप्शन मिलने वाले हैं। बाकी मैं जिस ट्रेन से सफर कर रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। और अभी आप ये देख रहे हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का बाहर का लुक है, और ये दो नंबर गेट से आप एंट्री लेंगे तो यहाँ से होगी, और अगर आप मेट्रो स्टेशन से आते हैं तो उसकी एंट्री दूसरी जगह से होने वाली है। आज मेरी जर्नी होने जा रही है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से होने वाली है, और बात करूँ स्टेशन कोड की तो स्टेशन कोड है NZM, और बात करूँ में नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पर 9 है, और यहाँ से आपको राजस्थान, मुंबई और साउथ साइड जाने के लिए ट्रेन मिलती हैं। सो गाइस, हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगने जा रही है, जो कि जस्ट सामने देख सकते हैं अभी आ रही है हमारी ट्रेन, और अभी इसे डायरेक्ट कोटा से ही आ रही है। और इसका जो यहाँ से बात करूँ डिपार्चर का, तो वो 12:45 है, 12:10 हो रहे हैं, तो हमारी ट्रेन लगने जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और अब बात करूँ अपनी जर्नी की, तो मेरी जर्नी होने जा रही है गाड़ी नंबर 12060 कोटा जन शताब्दी एक्सप्रेस होने वाली है, जो कि डेली रन करती है हजरत निजामुद्दीन से कोटा के बीच। बात करूँ मैं डिस्टेंस का, तो 460 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 घंटे 20 मिनट के अंदर 9 होल्ड के साथ कवर करती है। तो बाकी जैसे तुम्हारे पीछे ट्रेन लग रही है, तो चली चलते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैं बात करूँ अपनी जर्नी की, तो मेरी जर्नी होने जा रही है हजरत निजामुद्दीन से मथुरा बीच में होने वाली है, जिसका डिस्टेंस 133 किलोमीटर का होने वाला है, जिसे ये ट्रेन 1 होल्ड के साथ 1 घंटा 35 मिनट कवर करने वाली है। और दिल्ली से मथुरा जाने के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रेन होने वाली है, और सबसे कम टिकट प्राइस में और सबसे कम टाइम में आप पहुंच जाएंगे मथुरा। और मेरी ट्रेन लग चुकी है, और आज जो मेरी कोच होने वाला है D5 का चेयर कार होने वाला है, और 1 घंटा 35 मिनट जर्नी होने वाली है। चलिए चलते हैं, आपको अंदर से पूरा कोच दिखाते हैं किस तरह से पूरा होने वाला है। बाकी चलिए आपको अंदर से पूरा अपना कोच दिखाता हूँ किस तरह से पूरा होने वाला है। बाकी देख सकते हैं हमारी कुछ इस तरह की कुछ चेयर कार होने वाली है, और इसी में हमारी जर्नी होगी। बाकी देख सकते हैं पर्सन मानने का ऑप्शन है, और 3x3 की यहाँ पे सीट होती है इसमें। और इस ट्रेन के अंदर आपको जनरल बोगी नहीं मिलने वाली है, और इसमें आपको चेयर कार और AC टिकट मिलने वाला है, तो आपको टिकट पहले बुक करानी पड़ेगी। अब बात करूँ चेयर कार के टिकट की, तो बात करूँ मैं चेयर कार के टिकट प्राइस की, तो 110 रुपये होने वाला है, और वहीं बात करूँ AC चेयर की, तो वो का होने वाला है 335 रुपये। तो गाइस 15 मिनट लेट हमारी गाड़ी डिपार्चर ले चुकी है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। गाइस अपने निर्धारित स्थान में से 15 मिनट लेट हमारी गाड़ी डिपार्चर ले लिया है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, और 15 मिनट ये यहाँ से डिपार्चर हुई है। बाकी देखते हैं कि हमें टाइम ट्रेन में टाइम पहुँचाती है लेट हो जाता। भाई आ गया नाला,
बात करूं मैं टिकट प्राइस की, तो अगर आप जनरल से जाते हैं तो आपका टिकट 60 रुपये से लेकर 70 के बीच में लगने वाला है, और वहीं अगर आप स्लीपर से जाते हैं तो स्लीपर का टिकट आपका 150 से लेकर 170 के बीच में लगने वाला है, और वहीं अगर आप थर्ड एसी से जाते हैं तो ये आपका 500 से लेकर 550 के बीच में लगने वाला है, और सेकंड एसी का 700 से लेकर 750 के बीच में, और फर्स्ट एसी का आपका 1150 से लेकर 1200 के बीच में ये टिकट प्राइस होने वाला है। बाकी जिस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ उसका टिकट सबसे बेस्ट है 122 रुपये, जो कि है चेयर कार। अभी आप ये देख रहे हैं हमारी ट्रेन की लाइव स्पीड है, जो कि 100+ चल रही है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ी तो इसकी स्पीड जो पहुंच गई वो पहुंच गई 130 से करीब, तो बहुत ही डिसेंट स्पीड है। इसी वजह से ये ट्रेन आपको 1.5 घंटे के अंदर मथुरा उतार देती है। तो हजरत निजामुद्दीन से 28 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है फर्स्ट होल्ड की तरफ, बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BVH। और बात करूं मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के 5 हैं, और हमारी गाड़ी का यहां पे सिर्फ 2 मिनट का होल्ड है भाई। बाकी देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का रेलवे स्टेशन है भाई, और हमारी गाड़ी यहां सिर्फ 2 मिनट रुकने वाली है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं है, अपनी गाड़ी करते हैं यहां से डिपार्चर। सो गाइस 2 मिनट रुकने के बाद बल्लभगढ़ से हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है। सो गाइस 10 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पे, और बाकी हमारी जो गाड़ी है वो लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, जो कि जस्ट सामने लगी हुई है भाई। देखिए गाड़ी लगी हुई हमारी, और अभी हम पहुंच चुके हैं। तो गाइस 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी गाड़ी ने ले लिया है डिपार्चर मथुरा जंक्शन से, और यहाँ पर इसका 5 मिनट का हॉल्ट था ओनली। 10 मिनट लेट हमारी गाड़ी ने हमें छोड़ दिया है मथुरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MTJ। और बात करूँ मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ 10 हैं। मथुरा जंक्शन में मोस्टली स्टेट से ट्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आप किसी स्टेट से आ रहे हो तो आप मथुरा जंक्शन आ सकते हैं। और अब यहाँ से बात करूँ वृंदावन का, मथुरा का और श्री कृष्ण जन्मभूमि का, जाने का बहुत ईजी वे है, चलिए आपको मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। बाकी अभी आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप मथुरा के जितने मथुरा वृंदावन के जितने फेमस टेम्पल्स और स्थान हैं उसकी फोटोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं, और आपको फील हो जाएगा आके कि हाँ आप मथुरा जंक्शन पहुँच चुके हैं। साथ यहाँ पे आपको फूड की फैसिलिटी भी मिल जाती है, देख सकते हैं आपको इंडियन रेलवे की तरफ से फूड की फैसिलिटी भी है। सो फाइनली अभी मैं अपने रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुका हूँ, और अब यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे, शेयरिंग ऑटो, जो कि आपको मथुरा वृंदावन या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि छोड़ देंगे, जो कि जस्ट सामने आगे साइड से आपको मिल जाएंगे उधर से। और ये देखिए ये सामने है रेलवे स्टेशन, अगर आप 1 नंबर गेट से एग्जिट करेंगे तो आप यहाँ से करने वाले हैं, बाकी अगर आप 10 नंबर गेट 10 नंबर प्लेटफॉर्म से करेंगे उसका एंट्री गेट दूसरी साइड से है। तो बाकी चलिए हम तो आए इस साइड से, तो हम इससे भी रिक्शा पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी रिक्शा पकड़ सकते हैं, तो इसके जस्ट बाहर ही आपको मिल जाएंगे ऑटो।
और यहाँ से बात करूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि का डिस्टेंस का, तो 3 किलोमीटर करीब डिस्टेंस है, तो जिसे आप ई रिक्शा से कर सकते हैं। और बात करूँ वृंदावन के डिस्टेंस की, तो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसे ऑटो वाले शेयरिंग में जाएंगे 40 रुपये पर हेड के हिसाब से लेके, तो आपको आराम से वृंदावन छोड़ देंगे। और बात करूँ यहाँ से आप गोवर्धन की, तो गोवर्धन के लिए आप चाहें तो यहाँ से ऑटो पकड़ सकते हैं। बाकी मेरी रिकमेंडेड रहेगी कि इस प्लेटफॉर्म नंबर इस प्लेटफॉर्म के वहाँ नेक्स्ट एग्जिट से, वहाँ से आपको बस स्टैंड से ही बस मिल जाती हैं, जो कि आपको मात्र 40-40 रुपये में गोवर्धन बस स्टैंड पे उतार देती हैं। और आप जैसे रेलवे स्टेशन बाहर आएंगे तो आपको इस तरह से श्री कृष्ण जी का हाथ और बांसुरी दिख जाएगी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। देखिए आप देख रहे हैं, ये मथुरा का बस स्टैंड है। अगर बाई बस आते हैं तो बस आपको यहीं जस्ट उतारती है, और जस्ट बगल में ही रेलवे स्टेशन भी है, तो यहीं से भी आप जा सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं ये दूसरा जो गेट बताया था आपको, दूसरा गेट यही है जहाँ से आप आएंगे, और जस्ट सामने है बस स्टैंड। भाई 10 मिनट के अंदर मुझे रिक्शा वाले ने छोड़ दिया है 20 रुपये लेके, जस्ट सामने देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट के सामने ही, और यहीं से अपनी एंट्री होने वाली। चले गए, चलते अंदर एंट्री करते हैं। और आप जैसे अंदर एंट्री करेंगे आपको बहुत सारी शॉप दिख जाएंगे दोनों तरफ, खाने पीने की और प्रसाद की और खिलौने वगैरह की। तो इस तरह का पूरा वे है, और जस्ट सामने है श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने का रास्ता। इस मार्ग पर आपको रहने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, देख सकते हैं गेस्ट हाउस वगैरह हैं, होटल्स वगैरह भी हैं, तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। और जस्ट सामने देख रहे हैं ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि। सो मुश्किल से 500 मीटर अंदर ही आपको एंट्री गेट मिल जाएगा श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने का रास्ता। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री लेंगे। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं श्री कृष्ण जन्मभूमि, और देख रहे हैं यहीं से हमारी एंट्री होने वाली है दर्शन करने के लिए। वहीं बात करूँ मंदिर के टाइमिंग की, तो आप 6:30 बजे से लेके मॉर्निंग 6:30 बजे से लेके रात को 9 बजे तक आप दर्शन यहां पे कर सकते हैं। गेट के जस्ट बगल में आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी मिल जाती है, और साथ साथ आप अपना मोबाइल भी सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अंदर कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। तो जस्ट आपको मोबाइल 2 रुपये पे करके आपको यहाँ मोबाइल सबमिट हो जाएगा। और इस साइड आपको सो गाइस फाइनली मैंने दर्शन कर लिए हैं श्री कृष्ण जी के, और मुझे दर्शन करने में मात्र 20 से 25 मिनट का ही टाइम लगा है। और अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी नॉर्मल डे पे आया हूँ। जैसे अगर आप जन्माष्टमी या होली पर आते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, बाकी दर्शन काफ़ी अच्छे तरीके से हो गए हैं। सो गाइस फाइनली मैंने आपके साथ दिल्ली से मथुरा की एक ट्रेन जर्नी शेयर करी, जिसमें सारी डिटेल मैंने शेयर करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं आपसे आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।